गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास। बेटा, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर 6 इज़ डॉग्स। ओके, आपका जो चैप्टर 6 है उसमें बहुत सारे डॉग्स के बारे में बताया है, डॉग्स की वेराइटी और डॉग्स पे मतलब क्या क्या होता है और डॉग्स के साथ हमको कैसा बिहेव करना चाहिए, वो आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। Now we will start our chapter. There are many kinds of dogs. ठीक है, बहुत सारी तरह के क्या होते हैं, dogs होते हैं। Dogs मतलब कुत्ते। ठीक है, there are big dogs and small dogs. कुछ छोटे dogs भी होते हैं और कुछ बड़े dogs भी होते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये picture में बहुत बड़ा dogs है और ये एक छोटा सा puppy है। There are long dogs and short dogs. ठीक है, लंबे डॉग्स भी होते हैं और हाइट में छोटे। लॉन्ग मतलब लंबे और शॉर्ट मतलब छोटे। बिग मतलब बड़े और स्मॉल मतलब छोटा सा। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं, जो कि हमने देखे भी हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 61। सम डॉग्स हैव ईयर्स डैट स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब खड़े, है ना। कुछ डॉग ऐसे होते हैं, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, खड़े होते हैं। देखो इधर पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, खड़े कान दिख रहे हैं इसके। सम डॉग्स हैव ईयर्स डैट हैंग डाउन। ठीक है, इस वाली पिक्चर्स में देखो, कुछ डॉग्स ऐसे होते, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके कान हैंग डाउन मतलब लटके हुए, नीचे लटके हुए, है ना, नीचे लटके हुए होते हैं। सम डॉग्स हैव लॉन्ग टेल्स। कुछ कुत्तों की जो टेल होती है वो बहुत लंबी होती है। सम डॉग्स हैव शॉर्ट टेल्स। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिनकी टेल्स मतलब पूंछ छोटी होती है। एंड सम डॉग्स हैव नो टेल्स। ठीक है, कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो बिना पूंछ के होते हैं, उनकी पूंछ ही नहीं होती। आपने देखा होगा कि कुछ कुत्तों की पूंछ होती ही नहीं है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है और किसी किसी की होती ही नहीं है। Now dog hair can be long or short. कुत्तों के जो बाल हैं वो लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी होते हैं। ठीक है, dog hair can be one color. ठीक है, उनके जो बाल हैं वो एक कलर के भी होते हैं। dog hair can be more than one color. और कुछ कुत्तों के बाल कैसे होते हैं, है ना, कुछ कुत्ते जो ऐसे होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं, एक से ज़्यादा कलर के भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दो कलर के होते हैं, कुछ ट्राई कलर के होते हैं, कुछ वन कलर के होते हैं। डॉग्स आर लविंग पेट्स। जो हैं, जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो बहुत ही प्यारे क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं। पेट्स मतलब पालतू जानवर, जो लोगों को बहुत प्यारे लगते हैं और लोग उनको क्या करते हैं, अपने घरों में रखते हैं। डू यू हैव अ पेट डॉग। क्या तुम्हारे पास पालतू कुत्ता है। टेक केयर ऑफ योर पेट। आपको आपके पेट की क्या करना है, देखभाल करना है। बी काइंड टू योर पेट। उसके प्रति आपको क्या रहना है, दयालु रहना है। नेवर हर्ट योर पेट। आपको अपने पालतू कुत्ते को, अपना जो पेट है उसको, कोई सा भी पेट हो ना, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेट मतलब पालतू जानवर, उसको कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाना है। प्ले विथ योर पेट। आपको आपके पेट के साथ क्या करना है, खेलना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 62। योर पेट नीड्स फूड एंड वाटर। आपका जो पेट है उसको, आपका जो पालतू है जानवर है उसको किसकी ज़रूरत होती है, खाने की और पानी की। गिव इट फूड, गिव इट गुड फूड टू ईट। ठीक है, आपको उसको खाने के लिए अच्छा खाना देना है। गिव इट वाटर टू ड्रिंक। उसको पीने के लिए पानी देना है। गिव इट अ होम। इधर होम की पिक्चर दी हुई है, उसको रहने के लिए क्या देना है, आपको घर देना है। इट कैन रेस्ट एंड स्लीप इन दिस होम, ताकि वो उस घर में आराम कर सके और सो सके। ठीक है जी, तो अच्छा हमने इस चैप्टर में डॉग के बारे में पढ़ा कि किस किस टाइप के डॉग्स होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटी होती है, कैसे कैसे डॉग्स होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को आप सभी बच्चे अच्छे से रीड करेंगे। इसकी रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।